अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस विभाग कार्यालय में आगामी सत्र 2017-18 के छात्र संघ चुनाव हेतु अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों की घोषणा आज की जाएगी। इस हेतु प्रास वार्ता का आयोजन किया गया है। आज बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान के द्वितीय सबसे बड़े जिले और यहाँ की पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी पीजी कॉलेज राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर में अध्यक्ष पद के लिए हमने गजेंद्र सिंह जी गुरड़िया को अपना अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाने का फैसला किया है। इनके विगत 4 वर्षों के छात्रों के संघर्ष एवं छात्रों के हेतु हेतु इनके प्रयासों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद ने इनको अपना उम्मीदवार घोषित किया है और ये विद्यार्थी परिषद के सत्र 2017-18 के उम्मीदवार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहेंगे। आप बहन तनुजा जी चारण विद्यार्थी परिषद की जिला छात्रा प्रमुख है और पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े महिला महाविद्यालय जो MBC गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर में है इसकी आप छात्र संघ अध्यक्ष का उम्मीदवार विद्यार्थी परिषद के रूप से मैं आधिकारिक रूप से इनकी घोषणा करता हूँ। विद्यार्थी परिषद की जो कार्यकर्ता है इन्होंने अपने जीतने के लिए जो रणनीति बनाई उसका एक हिस्सा है पर्सनली संपर्क, निजी संपर्क होता है। क्या होता है, छात्र कई बार कॉलेज नहीं आते हैं, कई जिनका रेगुलर एडमिशन होता है लेकिन वो कॉलेज नहीं आ पाते किसी कारणवश, उनकी पारिवारिक परिस्थिति बस, इस कारण हमारे दोनों प्रत्याशी हर छात्र के घर जाकर उनसे अपना निजी संपर्क करके उनसे राय लेकर और उनसे उनकी उनकी समस्याएं जानकर और उनके समस्याओं का निराकरण करके और अपने एजेंडे को लेकर हम करना क्या चाहते हैं, हम किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम सिर्फ एक छात्र संघ अध्यक्ष बन के वहाँ कार्यालय में बैठने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, ये अपनी बातों को वहाँ रख के अपने एजेंडे को रख के अपने मोमेंटों को रख के वहाँ पे उन छात्रों के पास जा रहे हैं और उनकी उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे से जुड़े और विद्यार्थी परिषद के इस परम पुनीत यज्ञ में आप एक हिस्सा बने। हमने इसके लिए एक पारदर्शी प्रणाली इस वर्ष अपनाई, हमने कॉलेज से और गर्ल्स कॉलेज से और पीजी कॉलेज दोनों से जो भी छात्र इस वर्ष छात्र संघ चुनाव में किसी भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं या अपनी उम्मीदवारी जताना चाहते हैं उनसे हमने आवेदन मांगे। आवेदन में उनकी एक पिछले वर्षों की सोशल एक्टिविटी जो उन्होंने छात्रों के लिए की है, उनकी मार्कशीट्स, उनके पुलिस वेरिफिकेशंस और उनके कार्य, उनकी एक कॉपी मांग के एक फाइल मंगवाई और उस फाइल के आधार पर हमने चुनाव संचालन समिति ने चर्चा की कि किस उम्मीदवार को हमारे साथ जो हमारे साथ सामंजस्य से बिठा सकता है, हमारा जो राष्ट्र पुनर्निर्माण का लक्ष्य है उसे आगे लेके जा सकता है। उसके बाद हमने इनसे निजी स्तर पर बातचीत की, इनको भी चुनाव संचालन समिति में बुलाया, इनसे बातचीत की और इन्हें बताया कि हमारा संगठन इस तरीके से काम करता है और ये भी हमारे संगठन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। जैसे आपके बड़े भाई साहब हमारे पहले इकाई अध्यक्ष रहे हुए हैं, तनुजा जी हमारे जिला छात्र प्रमुख है, इसलिए संगठन की रीति नीति को समझते हैं और ये छात्रों के और हमारा विश्वास इतना था इनके ऊपर कि इनके जो पिछले कार्य हैं उनसे हमें ये परिलक्षित होता है कि ये छात्रों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से आगे रख सकते हैं और उनकी मांगों को छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद भी ये उसी तरह उनके लिए प्रयासरत रहेंगे। इन मुद्दों को हमने ध्यान में रखते हुए इन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हेतु जो अभी विगत 3 वर्षों से कार्यरत है उसमें इस वर्ष विद्यार्थी परिषद के जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी होंगे वो राजेंद्र जी धत्रवाल होंगे और विद्यार्थी परिषद की नगर की बैठक करके वहाँ चुनाव संचालन समिति ने इस पर चर्चा करके उन्हें इस वर्ष 2017-18 के लिए उन्हें अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया और इसकी मैं उम्मीदवारी आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूँ। अरे तो फूल चढ़ाने के लिए तो स्कूल जाके आ बैठक कर।